अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज कश्मीरी ऑब्जर्व कर रहे हैं अपना एक्सेशन टू पाकिस्तान डे, मतलब जो एक्सेशन डे वो डे होता है जो इल्हाक का दिन, मतलब उन्होंने क्या है इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया था। वो हर साल पूरी दुनिया में अपना जो एक्सेशन डे है वो पाकिस्तान के नाम मनाते हैं और पाकिस्तान को बताते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। और वो इंडियन ऑपरेशन जो कि इंडियन जुल्मो बर्बियत है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। इस वक्त इंडिया के जो लोग हैं या इंडियन फौज है कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म जबरियत कर रही है। वो इंडिया के झंडे को भी पसंद नहीं करते, ना ही मोदी हिंदुत्व को पसंद करते हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा जो इल्हाक का दिन है वो पाकिस्तान है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के लोग है हर साल 19 जुलाई को क्या है एक्सेशन डे मनाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, LOC के इस तरफ भी LOC के उस तरफ भी, कश्मीर के पाकिस्तान के पास जो है जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड है उस तरफ भी वो एक्सेशन मनाते हैं पाकिस्तान के साथ। असल में मामला क्या है, इस वक्त जो कश्मीर है वो हर लिहाज से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसकी जो जियोग्राफी है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, और जो कल्चर है यहां का वो भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। यहां की जो ट्रेड है वो भी पाकिस्तान के साथ जुड़ी है। हर चीज क्या है पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। लैंग्वेज इवन के पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज पाकिस्तान के साथ जुड़ी है। पॉपुलेशन भी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। जो कश्मीर की अगर बात की जाए, बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो हिस्टोरिकली कश्मीर से निकलते हैं और क्या है पाकिस्तान में आते हैं। इसी वजह से क्या है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। असल में मामला ये है क्या है, इंडिपेंडेंस 1947 से पहले इसका मामला शुरू हो चुका था। असल में मामला क्या था, ये था कि जो प्रिंसली स्टेट थी हिंदुस्तान में उनको बताया गया था कि वो जिसके साथ चाहे इल्हाक अपना कर सकते हैं, मतलब एक्सेशन कर सकती हैं किसी कंट्री के साथ, इंडिया या पाकिस्तान के साथ। फिर क्या हुआ, जो सरदार इब्राहिम खान थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम जो लीग थी जो कश्मीर के अंदर, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई 19 जुलाई को 1947 में। उसके अंदर ये डिसाइड हुआ क्या, श्रीनगर के अंदर इनके घर ये कॉन्फ्रेंस हुई 19 जुलाई 1947 को। अब आप सोच रहे होंगे 19 जुलाई को क्या, पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बना था और इंडिया 15 अगस्त को बना था। आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल 19 जुलाई को क्या है कॉन्फ्रेंस हुई आबी गुजर माह में सरदार अब्दुल इब्राहिम खान के, सरदार इब्राहिम खान के कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर। तो उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की, उन्होंने कहा है कि ये जो कश्मीर है इसको क्या है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर रहे हैं। ये इसका जो रेजोल्यूशन वो मतलब कश्मीरियों की क्या है रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, मतलब वो कश्मीरियों को उनका हक दे रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। ये है सबसे असल कागजात, ये है दुनिया को बताने के लिए कि कश्मीरी जो है 19 जुलाई को उन्होंने एक्सेशन पाकिस्तान से किया था। लेकिन अब कश्मीर के अंदर जो इंडियन है वो इलीगल ऑक्युपाइड हो गया, यहां पर अटैक किया और यहां पर जो कब्जा जमा लिया। अब मामला क्या है, अब मामला यहां खराब कर रहा है मोदी। मोदी ने क्या किया, स्पेशल स्टेटस इसका रिवोक कर दिया। स्पेशल स्टेटस क्या था, आर्टिकल 370 इसको दिया होता, मतलब जो कश्मीर है इसको स्पेशल टेरिटरी का नाम दिया था, मतलब जो इंडिया के कानून है कश्मीर के अंदर वो लागू नहीं होंगे। सिर्फ डिफेंस सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के अलावा यहां पर मामलात कर सकते हैं, बाकी जो इंडिया के लोग हैं यहां पर आके कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कोई चीज नहीं खरीद सकते। लेकिन जो मोदी है उसने क्या कहना है, 370 को आर्टिकल को जैसे रिवोक किया, यहां पर क्या है इंडियन आने लगे जो हिंदू है यहां आके प्रॉपर्टी खरीदने लगे। असल में मामला क्या है, जो कश्मीरियों की यहां पर इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड है, यहां की डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन है उसको चेंज करना चाह रहा था, मतलब यहां हिंदुओं को लाना चाह रहा है 19 अगस्त 2019 से लेकर। अब क्या है, एक्सेशन डे टू पाकिस्तान पूरी दुनिया में मनाया जाता है 19 जुलाई को। पूरी दुनिया को बताया जाता है कि कश्मीरियों ने क्या है वो पूरी दुनिया को बताया था कि हम जो एक्सेशन है वो पाकिस्तान के चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ इलाहाक चाहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान इसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया को बताता है जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड है उसके दरमियान क्या है कश्मीरी लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और इस वजह से दुनिया को बताया जाता है जो कश्मीर के अंदर है उसको आजाद करो। इवन के पहले इंडिया ने कहा था, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन है उनके जरिए इंडिया अपने कश्मीर में के रेफरेंडम करवाएगा कि वो कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो वो इंडिया भाग गया, बाद में 370 आर्टिकल भी रिमूव कर दिया। इससे देखते हैं हर साल पाकिस्तान जो एक्सेशन डे है 19 जुलाई को मनाता है और एक दिन इंशाल्लाह जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।